तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वेब सर्विसेज के बारे में। वेब सर्विसेज कैसे होती हैं, क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों हम इसे बनाते हैं, वेब सर्विसेज को बनाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो देखिए इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। इसकी कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि जब आपने वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि जावा डबल ई स्टार्ट किया था, तो जावा डबल ई में आप लोगों ने बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट पढ़े थे, जे डबल ई, जावा डबल ई। दो तरह के कंपोनेंट्स पढ़े थे, एक होता है हमारा वेब कंपोनेंट और दूसरा कौन सा होता है? हाँ जी, एक तो वेब कंपोनेंट होता है, दूसरा कौन सा होता है? कंपोनेंट ईजेबी कंपोनेंट होता है, बिल्कुल। तो वेब कंपोनेंट और ईजेबी कंपोनेंट, तो आपने वेब कंपोनेंट में सर्वलेट जेएसपी तो देख लिया, और सर्वलेट जेएसपी का यूज करके वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेब पेजेस कैसे बनाते हैं, ये आपने देख लिया। और वेब कंपोनेंट का काम केवल वेब पेजेस को बनाना होता है, मतलब वेब कंपोनेंट वेब पेजेस को बनाते हैं, बट ये भी जो कंपोनेंट होते हैं ये वेब पेजेस को नहीं बनाते, ये बेसिकली किसी वेब पेज में किसी बिजनेस लॉजिक को एड ऑन करने के लिए होते हैं, मतलब प्योर बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए होते हैं ये भी कंपोनेंट। और ये ईजेबी कंपोनेंट बेसिकली कितने तरह से बनते हैं? ये ईजेबी कंपोनेंट्स आरएमआई से भी बनते हैं, ईजेबी से भी बनते हैं, और वेब सर्विसेज से भी बनते हैं। तो अगर देख लिया जाए तो वेब सर्विसेज ही सबसे बेस्ट तरीका होता है एक बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए, मतलब जावा डबल ई के ही पार्ट है, बट ये थोड़ा सा अलग है सर्वलेट जेएसपी और सारी चीज़ों से। तो ईजेबी कंपोनेंट कहने के लिए मतलब वो था, बिजनेस कंपोनेंट भी इसे बोल सकते हो आप, वेब कंपोनेंट एंड बिजनेस कंपोनेंट, ईजेबी को बिजनेस कंपोनेंट बोला जाता है मेनली। तो अब हमारे पास मेनली कह सकते हो कि भाई ये तीनों चीज़ें जो है ना, आरएमआई, ईजेबी, वेब सर्विसेज, ये बिजनेस कंपोनेंट हैं बिजनेस लॉजिक को अलग से बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए, या ऐसा भी बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को बनाने में भी यूज हमें मतलब हेल्पफुल हमारे लिए होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन अगर आपको याद हो, बहुत स्टार्टिंग में जब जावा आपने स्टार्ट किया था तभी आपको पढ़ाया गया होगा कि जावा इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा इज़ अ मल्टी थ्रेडेड। तो ये सब जो फीचर्स हैं जावा के, ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एक टॉपिक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब जावा में डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर्स बनाए जा सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कि एक जगह कहीं पे बना के रखे जाते हैं, उसको कहीं पे भी एक्सेस कर लिया जाता है, कहीं एक जगह बना के रख दो सर्वर पे और उसको कहीं पे भी एक्सेस कर लो, किसी एक टेक्नोलॉजी में बना के रख लो, कहीं से भी एक्सेस कर लो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने का तरीका है, आरएमआई से भी होता है, ईजेबी से भी होता है, वेब सर्विसेज से भी होता है। तो देखा जाए आरएमआई, ईजेबी, ये बहुत ओल्डर अप्रोच हो गए, को लोग नहीं यूज करते हैं। बहुत पुरानी कंपनी अगर होगी तो ईजेबी को यूज करोगी, मतलब कर रही होगी, ये तो नहीं, ठीक है ना। इनका भी अपना एक पैटर्न होता है, कोरबा पैटर्न मतलब फॉलो करते हैं ये, कोरबा पैटर्न को फॉलो करके, जैसे आरएमआई स्पेशली कोरबा पैटर्न को फॉलो करता है। अच्छा, ये जो टॉपिक हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो आरएमआई हो, चाहे वो ईजेबी हो, चाहे वेब सर्विसेज हो, इन सब के बैकएंड में वही सॉकेट प्रोग्रामिंग चलती है। कहीं ना कहीं सॉकेट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आरएमआई सॉकेट प्रोग्राम को यूज़ करता है, ईजेबी आरएमआई को यूज करता है, वेब सर्विसेज ईजेबी आरएमआई सबको यूज करता है कहीं ना कहीं। लेकिन है आसान, सबसे सबसे छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। ईजेबी कहीं ना कहीं हैवी वेट
कंपोनेंट बन जाती है, उसको बनाना, उसको पढ़ना, उसको समझना बड़ा हैवी हो जाता है। बट मैं अलग से सेशन में आपको RMI और EJB बता दूंगा कि कैसे हम इस पे काम करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जी RMI नहीं आएगी, EJB नहीं आएगी तो वेब सर्विसेज नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। हाँ, बहुत डिटेल में अंदर जब एकदम डेप्थ में जाके ऐसे काम करोगे तो कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हो जाते हैं जो वेब सर्विसेज में RMI का ज़रूरत पड़ जाता है, बट वो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि। तो ये समझ लो कि जावा में डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को बनाने के लिए बेसिकली वेब सर्विसेज, तो RMI ये भी अभी हटाते हैं, छोड़िए। हमें ये भी कंपोनेंट्स नाम ये भी कंपनी से भी नहीं समझना है, हमें वेब कंपोनेंट, हमें कुछ भी नहीं समझना है, छोड़ो सब कुछ हटा। हमें बेसिकली वेब सर्विसेज से फोकस करना है। अब ये वेब सर्विसेज जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब कभी किसी कंपनी में हम जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं और हम जावा में काम कर रहे होते हैं, तो एज अ जावा डेवलपर हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं जी वेबसाइट बनाना तो आए, साथ में आपको वेब सर्विस भी लिखना आए। अब वेब सर्विस भी बना लें तो आपने कहा सर जो जब सर्वलेट JSP से ऑलरेडी वेबसाइट्स हम बना ही रहे थे, बिजनेस लॉजिक लिख ही रहे थे, तो वेब सर्विस क्यों बना लें, वेब सर्विस बनाने से क्या फ़ायदा होता है, वही डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है इससे। आपने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की और क्या क्वालिटीज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंटरऑपरेबल होते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी इसकी पॉसिबल होती है। इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब है भाई, देखो जैसे सर्वर या JSP के अंदर बनाए गए पेजेस जो हैं वो तो केवल जावा टेक्नोलॉजी कॉल कर सकती है ना। मैं कहूँ सर्वलेट या मैं बात करूँ JSP की, तो सर्वर या JSP को केवल जावा एक्सेस कर सकता है, कोई और टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर सकती। PHP नहीं एक्सेस कर सकता, एंड्रॉयड नहीं एक्सेस कर सकता, अगर करेगा भी तो मतलब एंड्रॉयड में मैंने देखा है वो जावा बेस्ड है ना, वो तो ठीक है, बट कोई नॉन जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता। और मेरे पास, मैं चाहता हूँ कोई बिजनेस लॉजिक लिखा गया हो और उस बिजनेस लॉजिक को कोई भी कॉल करे, उस बिजनेस लॉजिक को एंड्रॉयड वाला भी कॉल करे, iOS वाला भी कॉल करे, PHP वाला भी कॉल करे, .NET वाला भी, या कोई थर्ड पार्टी कोई भी तीसरा कंसेप्ट हो उसे एक्सेस कर सके, दैट इज़ कॉल्ड इंटरऑपरेबल, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब जिस पर्टिकुलर सर्विस को, जिस पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक को कहीं से भी कॉल कराया जा सके, उसकी रिक्वेस्ट कहीं से भी आ सके, वो किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके, किसी भी प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके, चाहे वो SSID प्रोटोकॉल हो, SMTP, मतलब अलग अलग टाइप की जो रिक्वेस्ट हैं उन सबको हैंडल कर सके और किसी भी टाइप की बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म कर सके। तो ऐसे लॉजिक को लिखने के लिए हमें वेब सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। वेब सर्विसेज एक काइंड ऑफ प्रोग्राम, मतलब कोई काइंड ऑफ लॉजिक ही होता है, एक काइंड ऑफ API ही होता है, बट एक ऐसी API, एक ऐसा लॉजिक जो कि वेब पे है, ओवर द इंटरनेट है और इंटरऑपरेबल है। इंटरऑपरेबिलिटी वर्ड जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दो सर्विसेज जो होती हैं, वेब सर्विसेज जो होते हैं, इनको कैसे बनाया जाए वो इंपॉर्टेंट बात है। फिलहाल वेब सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब ये वेब सर्विसेज दो टाइप के होते हैं, दो तरह के वेब सर्विसेज बनाए जाते हैं, एक सोप बेस्ड सर्विसेज होती हैं, एक रेस्टफुल सर्विसेज होती हैं, दो तरह की सर्विसेज होती हैं। अब ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स लिख रखा है, वेब सर्विस रिक्वायरमेंट, वेब सर्विस एजेक्स, सोप 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 एंड रेस्ट। ये देखिए वेब सर्विसेज जो है दो टाइप में होते हैं, एक सोप SOAP और REST, ये दो तरह से सर्विसेज बनते हैं ज़्यादातर कंपनीज में, और ज़्यादातर लोग इसी रेस्टफुल सर्विसेज को ही यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनाया जाता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, चलो मैं भी बता देता हूँ आपको क्या डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। सोप की अगर बात करें तो सोप स्टैंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है बेसिकली, जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करके सर्विसेज बनाते हैं, है ना। और रेस्ट जो है ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है, एक गाइडलाइन है, जिसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, राइट। तो सोप एक प्रोटोकॉल का नाम है, लेकिन रेस्ट कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये जस्ट एक स्टैंडर्ड है, आर्किटेक्चर स्टाइल है
जिस स्टाइल को फॉलो करके प्रोजेक्ट मतलब सर्विस बनती है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि सोप सर्विस थोड़ी हैवी होती है, रेस्टफुल सर्विसेज थोड़ा लाइट वेटेड होते हैं। और वो कैसे होते हैं, क्योंकि यार सोप सर्विसेज पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते आ रही थी, जैसे आपका ईजेबी, RRMI और ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट्स फॉलो कर रहे थे। अब आपका ये भी रीज़न हो सकता है कि जी ईजेबी और RMI ये सारा टॉपिक हम क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। RMI के यार 75 स्टेप है, रिमोट बनाओ, होम बनाओ, फिर उसको कंपाइल करो, RMI कंपाइलर से स्टब बनाओ, स्केलेटन बनाओ, स्केलेटन स्टब, स्टब को उठा के क्लाइंट साइड दो, फिर यहाँ चलाओ वहाँ चलाओ, बहुत तामझाम। और इसी तरह से ईजेबी के अंदर भी, और ईजेबी जब मेमोरी में चलती है तो वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम करती है, तो इसीलिए उसे हैवी वेट कंपोनेंट्स बोल दिया गया। फिर बाद में ये सी मतलब वेब सर्विसेज का काम क्या करने के लिए है, ये क्या करता है, ये जावा में बिजनेस लॉजिक को, प्योर बिजनेस लॉजिक लिखने के, इंटरऑपरेबल बिजनेस लॉजिक, ऐसे लॉजिक को लिख के जिसको एक बार बना के आप रख सकते हो और दुनिया में इसे कहीं पे भी एक्सेस करा सकते हो। कोई भी बंदा कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी बंदा इसे कहीं से कॉल कर सकता है। आप कंपनी में जाओगे, जावा में काम कर रहे हो, तो आपको वेब सर्विस इसलिए एक्सपेक्ट करा जाएगा क्योंकि यार आप कहीं ना कहीं, मान लो कंपनी में जा रहे हो जहाँ एंड्रॉयड ऐप बनता हो, तो एंड्रॉयड ऐप वालों को सर्विसेज चाहिए, वेब सर्विसेज चाहिए, तो कहा जाएगा आपको, यार आप जावा जानते हो तो आप वेब सर्विस बनाओ भाई, ऐसा बोला जाएगा आपसे, वेब सर्विस बना के दो, हमें हमारे एंड्रॉयड वाले बंदे की ज़रूरत है, हमें वेबसाइट वाले बंदे की ज़रूरत है, बंदों की ज़रूरत है, वो उसको कंज्यूम करेंगे, उसको यूज करेंगे। बनाना एक अलग चीज़ होता है, कंज्यूम करना अलग चीज़ होता है, कंज्यूम मतलब यूज करना, तो इसलिए आपसे कहा जाएगा भी बनाइए। तो वेब सर्विसेज जब आप बनाओगे, सपोज करो सोप बेस्ड वेब सर्विसेज आप बनाते हो, सोप स्टैंडर्ड को फॉलो करके, तो सोप स्टैंडर्ड को फॉलो करके जो वेब सर्विसेज बनती है ना, वो हैवी वेट भी होती हैं, और उन वेब सर्विस, देखो वेब सर्विसेज क्या करती हैं, बनने के बाद डेटा एक्सपोज कराती हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक बिजनेस लॉजिक लिखा कि मेरे डेटाबेस से 1,000 डेटा आ जाए या लाखों डेटा आ जाए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स गेट होके आ जाए, आप प्रोडक्ट गेट करके किस फॉर्म में दोगे किसी को, किसी बंदे को, किसी थर्ड पार्टी को, PHP वाले को, किसी एंड्रॉयड वाले को, किसी और बंदे को, किस फॉर्म में दोगे उसे, कोई तो फॉर्म होना चाहिए। तो कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि इंटरऑपरेबल हो, जो ये फैसिलिटी देती हो, जिस फॉर्म में अगर हम दें वो भी उसे रीड कर ले, हम भी उसे रीड कर लें, हमें भी देने में कोई दिक्कत ना हो और उसे भी उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, उस पर्टिकुलर सर्विस को कंज्यूम करने में दिक्कत ना हो, तो वो फॉर्मेट होता है XML। तो XML जो है कि एक 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 काइंड ऑफ ऐसे ही लैंग्वेज होती है जो इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देती है। XML की यही क्वालिटी होती है कि XML में बनाया गया चीज़, XML में एक्सपोज करा गया चीज़ जावा में तो कंज्यूम हो ही सकती है, उसको अदर टेक्नोलॉजी भी कॉल कर सकती है, क्योंकि XML के अंदर के जो टैग होते हैं, उन टैग को रीड करने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको हम पार्सर प्रोग्राम बोलते हैं, पार्सर प्रोग्राम कोई भी बना सकता है, कोई बना सकता है, टैग मैं बनाऊंगा, पार्सर बना के उसको रीड करा जा सकता है ईजिली। लेकिन फिर वही दिक्कत है, XML भी अगेन हैवी वेट चीज़ हो जाती है। अगर कोई वेब सर्विस XML के फॉर्म में डेटा एक्सपोज करती है तो XML को रीड करना, उसको हैंडल करना बड़ा टफ हो जाता था, और यही चीज़ होती है सोप बेस्ड सर्विसेज में। सोप बेस्ड जो सर्विसेज होती हैं वो डेटा को XML फॉर्म में ही एक्सपोज करती हैं और किसी फॉर्म में नहीं, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया रेस्टफुल सर्विसेज बना के। रेस्टफुल सर्विसेज कहता है जी मैं तो डेटा किसी भी फॉर्म में दे सकता हूँ, जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, कोई चाहता है जी XML देना तो दे सकता हूँ, स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए वो भी, JSON चाहिए वो भी, है ना, PDF, HTML कोई भी चाहिए वो भी दे देंगे। तो यार सोप सर्विसेज रेस्टफुल सर्विसेज में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सोप कैन ओनली एक्सपोज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, XML। सर्विस बनेगी तो लॉजिक लिखा जाएगा, प्रोडक्ट की डिटेल होगी, वो सारा डिटेल या कुछ भी डिटेल होगा, कुछ भी रिटर्न कराया जाएगा, तो वो XML में होगा तो उसको रीड करना भी बड़ा टफ होगा ना, ठीक है। और मतलब एफिशिएंसी भी उतनी बढ़िया नहीं होती है इसकी। और आज जमाना है JSON का, JSON, JSON, JSON एक ऐसी कॉमन प्लेटफॉर्म बन चुकी है, कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है, जो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चीज़, मतलब हर आदमी को JSON के बारे में पता है, हर टेक्नोलॉजी JSON को यूज़ करती है, JSON टेक्नोलॉजी, JSON लैंग्वेज है बेसिकली,
जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेएसओन, आप सबने सुना होगा कभी भी कई कई बारी जेएसओन का क्या मतलब है। तो अगर जेएसओन के फॉर्म में कोई चीज बनाई जाए, जेएसओन के फॉर्म में कोई चीज रिप्रेजेंट करी जाए, पीएसपी भी जानता है, एंड्रॉयड भी जानता है, कोई और डॉटनेट भी जानता है, जावा भी जानता है, हम एज ए जावा डेवलपर अगर वेब सर्विस बना रहे हैं और डेटा जेएसएन में एक्सपोज करें, तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में, इनक्रिप्ट मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में ये डेटा होता है बस एक, है ना, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में बस, और इसको रीड करना, इसको हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है, और वही काम सोफ्ट सर्विसेज में नहीं हो पाता, इसलिए हम रेस्टफुल सर्विसेज पे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये दो पार्ट में होता है फिलहाल। वेब सर्विसेज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, फिर मैं डिटेल में जाऊं, आगे आगे चीजें समझाऊं। अभी कुछ तो आपका बना होगा इसमें इंटरेस्ट कि हाँ वेब सर्विसेज ये होती हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो, थोड़ा तेज बोलो, तेज, और यहाँ पे हेलो, आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ बिल्कुल। रही क्या? हाँ, अब आ रही, अब आ रही। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मतलब जेसन के फॉर्म में डेटा लेते हैं तो वो सर मतलब ऐसे ही जेसन के फॉर्म में होता है कि मतलब इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना पड़ता है? ओवर द हेलो, इंटरनेट मतलब हम नहीं करेंगे उसे, हम नहीं इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेंगे, जब हम उठा के इंटरनेट पे भेज देंगे, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, वो प्लेन टेक्स्ट ही होता है यार, वो जेएसएन प्लेन टेक्स्ट ही होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन इंटरनेट पे हाँ जब वही। जाएगा कोई चीज़ तो बाइट्स के फॉर्म में जाएगा ना, अगर देखा जाए तो बाइट्स में ही जाएगा, लेकिन जो डेस्टिनेशन एंड पे फिर से उसे जब डेटा गेट करा जाएगा तो वो गेट हो जाता है डिक्रिप्ट होके अपने आप, मतलब हमें इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं करना है, वो इंटरनली हो रहा हो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, लेकिन हमें नहीं करना है। हम भेजेंगे जेएसएन, ये सपोज करो कि मैं किसी को जेएसएन ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, तो वो इनक्रिप्ट होके इंटरनेट पे किसी भी फॉर्म में जाए, बट डेस्टिनेशन एंड पे वही जेएसएन ऑब्जेक्ट रिसीव हो जाता है डिक्रिप्ट होके, मतलब हमें ऑब्जेक्ट ही रिसीव करना है, गेट करना है। इंटरनेट पे तो वो जेटा बाइट 0101 तो होता ही होता है सब कुछ। ठीक है, सर ये जावा का ही पार्ट है क्या जेएसएन, या अलग है सर? ये एक बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, जेएसएन एक अलग लैंग्वेज है। जेएसएन पे अगर काम करना है तो जेएसएन मतलब ये समझ लो कि ये एक अलग ही लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज की जैसे एक्सएमएल एक लैंग्वेज है, राइट, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, उसको क्यों यूज करते हैं, इतने सारी टेक्नोलॉजी क्यों यू प्रेफर करती है, क्योंकि यार वो वही है ना कि इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देती है। ठीक है, इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देती है। अगर कोई चीज़ एग्जामल में है तो उस एग्जामल या कोई भी डेटा एग्जामल के फॉर्म में एक्सपोज कराई जाए तो हर टेक्नोलॉजी एग्जामल का सपोर्ट देती है, जावा भी एग्जामल का सपोर्ट देती है, डॉट नेट भी, पीएचपी भी। तो एग्जामल के अंदर मान लो कुछ मैंने टैग बना के उसमें कुछ वैल्यू बना के उठा के कहीं भेजा, तो उस टैग को रीड कराना, उसको वैल्यू को रीड कराने का प्रोग्राम कोई भी बना सकता है, दैट इज कॉल्ड पार्सर प्रोग्राम। उसी तरह से जेएसएन भी एक ऐसे ही टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही लैंग्वेज है सॉरी, जो हर 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 टेक्नोलॉजी मतलब यूज करती है। जेएसएन एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देती है, जावा में भी होती है, एंड्रॉयड में भी होती है, पीएचपी में भी होती है, सब में होती है, लेकिन पता है उसकी लाइब्रेरी अलग अलग होती है सब जगह। जावा वालों ने अपने हिसाब से लाइब्रेरी फंक्शन बनाए उसी जेएसएन को रिप्रेजेंट कराने के लिए, एंड्रॉयड में अलग, डॉटनेट में अलग, पीएचपी में अलग, किसी और टेक्नोलॉजी में अलग, हर टेक्नोलॉजी वाले जेएसएन को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं, बट होता एक ही चीज़ है। जैसे एग्जामल में टैग होता है ना, टैग, जैसे सर्वलेट में हमने पढ़ा सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, यूआरएल पैटर्न वगैरह वगैरह, ऐसे टैग पढ़ा ना, तो जेएसएन जब हम लिखते हैं तो जेएसएन को लिखने का एक सिंटैक्स होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ जेएसएन कैसे होता है। पहली बार अगर आप जेएसएन पढ़ रहे हो तो सही बात है, कन्फ्यूजन तो होता ही होता है। जेएसएन, जेसन कहाँ पढ़ना चाहते हो, इन जावा या इन पीएचपी या इन एंड्रॉयड या इन पाइथन, इन जावा स्क्रिप्ट, सब जगह अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग होता है, मतलब लिखने का सिंटैक्स एक ही होता है, तरीका एक ही होता है, इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से कराई गई है। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर में होता है,
ये देखो, ये जेएसएन का फॉर्मेट होता है इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट ओपन करा जाता है और क्लोज करा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ये जो चीज़ लिखी गई है, ये जेएसएन ओनली, जेएसएन तो एक लैंग्वेज हो गई, राइट? ये तो बात समझ में आ गया, जेएसएन एक लैंग्वेज हो गया। बट जेएसएन में दो कंसेप्ट आ जाता है, एक जेएसएन ऑब्जेक्ट आता है, एक जेएसएन एरे आता है। अभी बिगिनर लेवल पे आप इतना समझ। तो अगर मैं कोई जेएसएन ऑब्जेक्ट कहीं पे भी लिख रहा हूँ, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जेएसएन ऑब्जेक्ट लिखने का ये तरीका होता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो, यहाँ पे की वैल्यू पेयर, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गया, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, ऐसे की वैल्यू पेयर, ये जेएसएन ऑब्जेक्ट, ये कर्ली ब्रेसेस से जेएसएन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होता है, ये जेएसएन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होता है कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया नेम, नेम हो गया, यहाँ पे हमने दे दिया सूर्या, तो मेरा नाम सूर्या हो गया। मैं इस तरह से जेसन फॉर्म में डेटा भेज सकता हूँ, या मैं कोई प्रोडक्ट भेज रहा हूँ तो यहाँ प्रोडक्ट की आईडी और उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ भेज सकता हूँ। इसी तरह से मैं क्वांटिटी भेज रहा हूँ, QTY, क्वांटिटी को मैं इंटीजर में लिख सकता हूँ। मतलब आप जेसन को इंटीजर में भी लिख दो, फ्लोट में भी लिख दो, स्ट्रिंग में भी लिख दो, जैसे मर्जी वैसे। बस दो डेटा मैंने रखने दिया, कॉमा हटा दिया, और इतना, ये हमारा जेसन ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये जेसन जो लैंग्वेज, जैसे एक्सएमएल का क्या सिंटेक्स था, एक्सएमएल का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिंटेक्स था यार। अगर आप देखो तो वो कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हो, क्लोज करते हो, फिर वहाँ पे एक रूट टैग होता है, फिर उसका चाइल्ड टैग होता है, फिर उसके अंदर ऐसे होता है ना, मतलब एक्सएमएल भी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं था। एक्सएमएल को अगर देखा जाए एज ए इंडिविजुअल तो उसको चीजें मतलब समझा जा सकता है, लेकिन यार उसको फिर रीड करना बड़ा कठिन हो जाता है, उसको पार्स करना बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। हर आदमी पार्स भी नहीं कर सकता। अगर आपसे कह दिया जाए एक्सएमएल की पार्सिंग करो, तो एक्सएमएल की पार्सिंग के लिए आता है पार्सर, लाइक एक डॉम पार्सर होता है, DOM पार्सर होता है ना, एक SAX पार्सर होता है ना। तो SAX, डॉम, ये बेसिकली एक्सएमएल को पार्स करने के तरीके हैं, प्रोग्राम्स हैं, टेक्निक हैं। अब वो सब मतलब जब एक्सएमएल पार्सिंग स्पेशली करोगे, कहीं आपको जरूरत पड़ जाए तो इन दोनों पार्सर्स को यूज कर, अभी गूगल पे टाइप कर दो डॉम पार्सर क्या होता है, एक्सएमएल को वैसे रीड करा जा सकता है, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जेएसएन जो है ना, अच्छा वो थोड़ा सा बहुत सारा क्लास बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, ये करो वो करो, थोड़ा उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। ये जेएसएन ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा जाता है, और जेएसएन एरे ऐसे बनता है, इस ब्रैकेट में बनता है ऐसे, ये जेएसएन एरे बनता है इस तरह से, इसके अंदर एरे वाले सिंबल में जेसन एरे बनता है, ये जेसन ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको जी जावा में बनाना है आपने, या .NET बनाना है, या PHP बनाना है, तो बिल्कुल इसी नाम से ही क्लास होती है, जेसन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जेसन ऑब्जेक्ट नाम की क्लास, और जेसन एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए जेसन एरे नाम की क्लास, ठीक है। और अगर सपोज करो कि मुझे इसको रीड कराना है, तो इसको भी हमें पार्स करना पड़ेगा, जैसे एक्सएमएल को पार्स करने के लिए एक्सएमएल पार्सर्स होते हैं, जैसे जेसन को पार्स करने के लिए जेसन पार्सर होते हैं। और जेएसएन पार्सिंग के लिए कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है, जैसे एग्जाम्पल में करना पड़ता था। यहाँ तो बस दो ही क्लास हैं, एक क्लास है जेएसएन ऑब्जेक्ट, एक क्लास है जेएसएन एरे, बस बात खत्म। अब जेएसएन ऑब्जेक्ट, जेएसएन एरे हर जगह होता है, जावा में भी होता है, .NET में भी होता है, PHP में भी होता है, हर जगह होता है। मतलब जेएसएन एक कॉमन टेक्नोलॉजी, एक कॉमन लैंग्वेज हो गई, जिसको यूज हर हर टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से करता है, हर लैंग्वेज अपने हिसाब से करता है। जावा में अब जेएसएन को कैसे रिप्रेजेंट कराया जाए, उसके लिए आपको एक सिंपल json.jar फाइल फॉलो करना पड़ेगा। एंड्रॉयड में कुछ और होता है, json करके भी एक जार फाइल होती है, उसे यूज करना पड़ता है। PHP में कुछ और होता है, .NET में भी कुछ ऐसे लाइब्रेरी होती होंगे, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका, स्टाइलिंग का तरीका सबके लिए कॉमन है। अब देखो जैसे कैसे कैसे रिप्रेजेंट कराया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल तौर पर जैसे जैसे मान लीजिए कि देखिए जेएसएन के बारे में यहाँ पे समझाया गया है क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें मैपिंग कैसे कैसे कराई जाती है, देख रहे हो जेएसएन विद अलग अलग टेक्नोलॉजी में, PHP में भी है, पाइथन में भी है, रूबी में भी है, एजेक्स के अंदर भी है, लाइट वेटेड है और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। अब देखो जावा में इसके लिए क्या होता है भाई,
जावा में इसके लिए एक जार फाइल चाहिए जिसका नाम है सिंपल जेएसएन जार। आपने कहा सर सिंपल जेएसएन जार ही होती है क्या, एक ही तरीका होता है क्या जेएसएन को यूज करने के लिए? नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल पे टाइप करो जेएसएन लाइब्रेरी इन जावा, हजारों लाइब्रेरी भी मिल सकते हैं, क्योंकि जेएसएन को हर बंदा अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करा सकता है, समझ रहे हो? तो अभी तो इन्होंने सिंपल जेएसएन यूज करा है। सिंपल जेएसएन जार फाइल डाउनलोड करिए। सिंपल जेएसएन जार फाइल में एक जेएसएन ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है, उसके पास एक पुट मेथड होता है, जैसे हैश मैप में एक पुट मेथड होता है, की वैल्यू पेयर में डेटा डाल दीजिए और डेटा जब प्रिंट कराएंगे तो इसी तरह का फॉर्मेट जो है अपने आप बन के आ जाएगा। देख रहे हो, इसी तरह का फॉर्मेट बन के आ जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन था बताइए। सर, ये जो है ये टेक्स्ट ही बेस केवल वो लेता है डेटा कि हर टाइप का डेटा ले लेगा जैसा कैसा हर टाइप का मतलब? मतलब फोटोज और वीडियो एमपी हाँ, जो भी थ्री भेजना वो है, जो भी भेजना है सब ऐसे जेसन के फॉर्म में ही भेजिए। फोटो वीडियोस मतलब वो भी टेक्स्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि वो क्या नाम है, वीडियोस जो है, वीडियोस भी बनाओगे फोटोज भी बनाओगे तो कहीं पे रखना पड़ेगा ना उसको, आपको वो आएगा कैसे, उसका पाथ लेके जाएगा, वो टेक्स्ट ही ले सर जाएगा एक तरह से डेटाबेस समझ लो। में करके लिंक देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्टोर करा के रखना पड़ेगा, डेटाबेस में रखो कहीं रखो, रखने के बाद उसको लिंक यहाँ पे भेज सकते हो। मतलब ओवरऑल आपके क्वेश्चन का आंसर है टेक्स्ट बेस हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल टेक्स्ट बेस ही हो सकता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, क्या नाम है, अमित, क्या नाम है, अमन, समझे? इस तरह से जेसन लिखा जाता है। तो यस मैं एक एक जेसन का सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाऊं, जेसन का सिंपल सा प्रोग्राम, या आगे ही बनाएंगे तो उसमें यूज हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जेसन की ये जार फाइल लानी पड़ेगी, ये जार फाइल डाल देना, बना लेना यार। इस तरह से जेसन एरे अगर आपको बनाना है तो जेसन एरे बनाने के लिए जी इसकी इसकी ये डिकोडिंग कर रहे हैं, देखो कहीं से जेसन एरे आ रहा है मान लो, सॉरी ऑब्जेक्ट आ रहा है मान लो, ये नहीं, सॉरी ये एरे है, एरे है देखो, इसलिए क्योंकि ये मुझे कैसे पता चल रहा है एरे है, ये सिंबल जो एरे वाला है ये जेसन एरे है, इसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट बराबर है, ठीक है। और पार्सिंग वर्सिंग के लिए बड़ा आसान सा मेथड है, ठीक है, जेसन एरे, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट डॉट पार्स, जेसन एरे डॉट पार्स, बस। अभी वेब सर्विस पे जब हम यूज करेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी ये कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि वेब सर्विस बनाएंगे तो जेएसएन में तो रिटर्न कराएंगे डेटा, है ना, तो ये अलग से भी पढ़ सकते हो और वेब सर्विस के साथ यूज करके भी हम इसको बता सर, सकते हैं। एक प्रोग्राम बना दीजिए आने से जेसन सब का क्लियर हो जाएगा। लो भाई, जेसन का, तो इसके लिए आपको जार हाँ फाइल सर बना चाहिए, दीजिए। फाइल में जाइए, न्यू में जाइए और अदर में जाइए। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अभी पता नहीं वही ट्रेडिशनल तरीका ही फॉलो कर रहे हो। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब जैसे मान लो कि मैं एक सिंपल सा एक जावा का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, है ना, और मुझे जेएसएन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे जेएसएन की जार फाइल लानी पड़ेगी। मान लो कि मुझे सर्वलेट का प्रोग्राम हम बनाते हैं या वेब सर्विस का प्रोग्राम बनाते हैं, उस केस में हमें जार फाइल चाहिए होता है। अब आप ये चाहते हो कि आपको जार फाइल अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े और आपका जार फाइल अपने आप आ जाए, है ना, तो इस काम के लिए आप नॉर्मल प्रोजेक्ट ना बना के यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है मैवन प्रोजेक्ट, इसे बना लीजिए। मैवन भी एक टेक्नोलॉजी है, मैवन भी एक कह सकते हो बिल्ड टूल है ना। ये बिल्ड टूल हमें क्या हेल्प करता है, अभी बिगिनर लेवल पे आप देखिएगा क्या हेल्प करेगा। अभी आप देखिए बिगिनर लेवल पे ये क्या किस तरह से हमें हेल्प करके दे रहा है। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और मैवन प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट हम मैवन वाला ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आर्क टाइप अभी रिट्रीव कर रहा है इंटरनेट से, ये रिट्रीव कर रहा है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी सिंपल जेएसएन डॉट जार फाइल नेट से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं वो जार फाइल डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं बस गूगल पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा जी मैवन डिपेंडेंसी,
जैसे एंड्रॉयड में ग्रेडल होता है, एंड्रॉयड वाले ग्रेडल समझ लो, ग्रेडल इज इक्विवेलेंट टू द मैवन। तो मैवन डिपेंडेंसी फॉर सिंपल जेएसएन जार, ऐसे गूगल पे डालोगे आपको मिल जाएगा डिपेंडेंसी। ठीक है, ये डिपेंडेंसी मिल गई, कॉपी कर लीजिए। फिलहाल ये प्रोजेक्ट देखो, यहाँ पे ये आर्कटाइप रिट्रीव होके आ गया। तो हमें अभी क्या है कि यहाँ से कौन सा आर्कटाइप लें, सिंपल सिंपल टाइप है, सैंपल लेके चलते हैं। ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा फीचर नहीं चाहिए, सर्विस वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलो सिंपल ही लेके चलते हैं। क्विक स्टार्ट वाला भी होता है शायद यहाँ पे। तो ग्रुप आईडी ये प्रोजेक्ट का पैकेज का नाम होता है बेसिकली, और आर्टिफैक्ट आईडी जो होती है ये प्रोजेक्ट का नाम होता है, जेएसओन डेमो। ऐसा नहीं है कि जी जेएसएन पढ़ने के लिए आपको ऐसे मैवन प्रोजेक्ट ही बनाना पड़ेगा, आप नॉर्मल प्रोजेक्ट में भी जाइए, सिंपल जेएसएन जार फाइल डाउनलोड कर लीजिए और बनाइए प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली अभी ये रिपोजिटरी नेट से डाउनलोड कर रहा है। चलो इसमें अगर ये टाइम लगा रहे हैं तब तक हम आपको सिंपल जेएसएन की जो जार फाइल है वो लेके आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से तो सिंपल जेएसएन की जार फाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। देखो मेरे पास लाइब्रेरी में पड़ी होगी, नहीं यहाँ पे जैक्सन पड़ी हुई है। जैक्सन भी जेएसएन को इंप्लीमेंट करने का तरीका है। तो चाहे सिंपल जेएसएन से कर लो चाहे जैक्सन से कर लो, ये सब अलग अलग लोग हैं जो जेएसएन को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक सर, ये है, जर्सी क्या है सर? हाँ जी, उसके बारे में मुझे नहीं पता है जर्सी क्या है ना। तो सिंपल जेएसएन, सिंपल सर जेएसएन मैं दूं लाइब्रेरी इसका? जार फाइल, हाँ दे दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी डाउनलोड कर लेंगे। यस आप सर, दोगे उसे भी डाउनलोड करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं ना, ये देखिए सिंपल जेएसएन बंडल की बंडल जार ऐसे आ रहा है। ये भी प्रोसेस अभी कर रहा है, फिनिश हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये पहली बार जब कॉन्फ़िगर करता है ना तो टाइम ले लेता है थोड़ा। तो ये बंडल जार फाइल यहाँ पे है। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी जावा बेस्ड प्रोजेक्ट में आप इसको ले आइए, ऐड ऑन कर लीजिए। ये हो गया डाउनलोड, और इसे ओपन करिए। ठीक है, देखिए ये सिंपल जेएसएन की जो बंडल है ये डाउनलोड हो गई है। ये सिंपल जेएसएन ये बंडल्ड है इसका। ठीक है, तो इस जार फाइल को यहाँ पे ये कुछ एरर आया है, चलो इसको देखते हैं बाद में एरर क्या है। मैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, लेट से ये प्रोजेक्ट है हमारा, इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके जावा बिल्ड पाथ में जाएंगे और ऐड एक्सटर्नल जार में जाएंगे। इस जेएसएन का सिंपल जेएसएन बंडल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया सिंपल जेएसएन। सिंपल जेएसएन की रेफरेंस लाइब्रेरी आ चुकी है यहाँ पे। अब ये
एक जावा का कोई क्लास है, बस इस क्लास में हम क्या करेंगे, लिखेंगे जेएसन, और जैसे जेएसन लिख के कंट्रोल स्पेस करेंगे, इसका मतलब ये जो बंडल मैंने कर लिया डाउनलोड, ये बंडल में है नहीं, ये जेएसन ऑब्जेक्ट नाम की क्लास, सिंपल जेएसन बंडल, ओके सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली ये बंडल फाइल पूरी आई हुई है, जार फाइल आया हुआ है, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट फाइल करते हैं, और इसके अंदर से जार फाइल आएगी, है ना, ये दिक्कत है, मैंने वो जार फाइल का सिंबल देख के समझ गया ये है उसके अंदर जार फाइल, ये बंडल था पूरा। तो ये बंडल्ड प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एड एक्सटर्नल जार, सिंपल जेएसएन वन यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेएसएन ऑब्जेक्ट, देखिए आने लगा ना जेएसएन, जेएसएन एरे भी आने लगा, जेएसएन ऑब्जेक्ट भी आने लगा, ठीक है, तो जेएसएन ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जेएसएन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू जेएसएन ऑब्जेक्ट। अब मुझे कोई डेटा जेएसएन फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है, तो मैं जेएसएन ऑब्जेक्ट का मेथड चलाऊंगा डॉट पुट, पुट मेथड में की वैल्यू पेयर में डेटा डाल दूंगा, ठीक है, वही जैसे मैंने नेम ले लिया, नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया सूर्या, ठीक है, फिर जेएसएन ऑब्जेक्ट डॉट पुट, इस तरह से आप पुट मेथड यूज करते जाइए, जो भी आपको की वैल्यू पेयर में डेटा डालना है, यहाँ पे नेम हमने ले लिया राहुल, ठीक है, तो की वैल्यू पेयर में इस तरह से हमने डेटा डाल दिया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इस जेएसएन ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन को रन करूंगा तो आपको ये की वैल्यू पेयर में, अच्छा डुप्लीकेट एलिमेंट तो लेता नहीं है, रिपीटेड एलिमेंट, तो इसीलिए की वैल्यू पेयर में जब भी आप डेटा दें तो ये डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है, तो हमने यहाँ पे पास लिख दिया मान लो, ठीक है ना, क्योंकि नेम को एक ही बार लेता है, और इसमें सिक्वेंस मैटर नहीं करता है, अगर पास राहुल है, नेम सूर्या है, या नेम पहले आ गया पास बाद में आ गया, तो ये डजंट मैटर कि किस तरह से आप इसे, मतलब इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ठीक है, सीक्वेंस किसी भी तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है, तो ये होता है जेसन। अब अगर आपसे, आपके पास कोई डेटा आ रहा है, जेसन को पार्स कराना है, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन एरे को पार्स कराना है, जेसन ऑब्जेक्ट पे कोई काम करना है, तो जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट करके मेथड करेंगे तो यहाँ पे चल जाएगा, डॉट करके एरे अगर होगा तो उसको गेट करना चाहते हो, अगर कोई एरे आ रहा है तो एरे का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, एरे की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करा लीजिए, ऐसे लिख दीजिए जेएसएन एरे, जेएसएन एरे, है ना, जेएसएन एरे का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, फिर एरे डॉट पार्स मेथड चला लीजिए, मतलब यही सब चीजें होती हैं और कुछ नहीं होता है। और ये काम एंड्रॉयड में भी होता है, पीएचपी में भी होता है, सब लोग करते हैं, उनके पास भी लाइब्रेरी अलग अलग होती है, बट ये जो फॉर्म है, ये जो डेटा स्ट्रिंग लाइक है, ऐसे है टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट होती है, ये टेक्स्ट सबके लिए कॉमन होती है, ठीक है, ये लिखने का तरीका सबके लिए एक ही होती है, ठीक है। तो भाई ये तो जेएसएन की कहानी हो गई, अब जरा हम वेब सर्विस से फिर से मूव करते हैं और आगे चीजें समझते हैं, ठीक है। तो जेएसएन ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया और जेएसएन का कहानी क्लियर हो गया। सोप और रेस्टफुल सर्विसेज में और क्या डिफरेंस होते हैं, आप गूगल पे ऐसे टाइप करके सोप SOAP सोप वर्सेस रेस्ट, ठीक है, रेस्ट वेब सर्विस आप ऐसे सर्च कर सकते हैं कि सोप और रेस्टफुल सर्विसेज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है।
तो जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताया वही सब डिफरेंसेस होंगे, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जी अलग है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि सोप जो डेटा को एक्सएमएल फॉर्म में ही एक्सप्लेन कर सकता है और रेस्ट जो है दोनों फॉर्म में कर सकता है। कोई टेबल ओबल मिल जाए तो सीधे टेबल से ही माध्यम से समझ लें। ये देखो सोप जो है इज अ प्रोटोकॉल और जो रेस्ट है इट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल। सोप का फुल फॉर्म लिखा है और रेस्ट का फुल फॉर्म है। सोप कैन नॉट यूज रेस्ट बिकॉज इट इज अ प्रोटोकॉल, बट रेस्ट कैन यूज सोप क्योंकि वो स्टाइल है, तो एचटीटीपी और सोप दोनों को यूज कर सकती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ सोप और रेस्टफुल सर्विसेज को बनाने के लिए एपीआईज आती हैं। जो रेस्टफुल सर्विसेज के लिए एपीआई आती है उसको बोलते हैं जैक्स डब्ल्यूएस, और जो रेस्टफुल सॉरी सोप के लिए जैक्स डब्ल्यूएस आता है, रेस्टफुल के लिए होता है जैक्स आरएस, एपीआई का नाम है। अच्छा, जो बैंडविड्थ की बात आ जाती है, बैंडविड्थ, तो जो बैंडविड्थ होती है रेस्ट का, सोप रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ और जो रेस्ट होती है लेस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड करती है। ठीक है ना, सोप जो है ये सिक्योरिटी अपनी खुद की होती है, लेकिन यहाँ पे आप किसी थर्ड पार्टी की सिक्योरिटी इनहेरिट भी कर सकते हो अपनी सर्विस के साथ। ठीक है ना, परमिट्स एक्सएमएल डेटा ओनली, बट दिस परमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्टाइल। तो वेरियस स्टाइल आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ऐसे ही आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे सब जगह, बड़ी चीज नहीं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम वेब सर्विस बनाए कैसे, वेब सर्विस को बनाने के क्या तरीके होते हैं, वेब सर्विस को बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी। चलो हमें ये समझ में आ गया दो तरह की सर्विस होती हैं, हम कौन सा पढ़ेंगे। मैं आपको रेस्ट बताऊंगा, सोप भी अगर आप जानना चाहते हो तो पहले रेस्ट पढ़ लो, समझ लो, अच्छे से देख लो, फिर रेस्टफुल सोप सर्विसेज पढ़ने के लिए नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेस्टफुल सर्विसेज हर टेक्नोलॉजी में बनती है और सब लोग उसी को ही यूज करते हैं। कोई बहुत पुरानी मतलब कोई प्रोजेक्ट बनी हुई है किसी कंपनी में तो वो सोप पे मान लो बनी होगी, नहीं तो ज़्यादातर कंपनीज में रेस्ट का ही डिमांड होता है कि रेस्टफुल आना चाहिए, रेस्टफुल सर्विसेज बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं। तो देखिए, जब हम वेब सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले वेब सर्विस की रिक्वायरमेंट, जैसे मैं वेब सर्विसेज आपको पढ़ा रहा हूँ तो वेब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए कि वेब सर्विसेज क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है। देन हमें उसका आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, वेब सर्विसेज किस तरह से वर्क करता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या आर्किटेक्चर है। ठीक है ना, देन हमें पता होना चाहिए जी वेब सर्विसेज के कॉम्पोनेंट्स, कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो वेब सर्विसेज में जरूरी होते हैं, जैसे विजडल, UDDI, स्केलेटन, स्टब, सो प्रोटोकॉल, SCD प्रोटोकॉल। मैं सही बताऊं तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स अगर आप नहीं भी जानोगे तो आपका काम चलेगा भी ऊपर लेवल पे समझने के लिए। प्रोग्राम सीधे समझो, काम समझो, अंदर वाली चीज़ें जब समझना है तब इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। और विजडल वगैरह का यूज़ जो है ये तो सोप सर्विसेज में ही होता था, अभी यूज़ नहीं होता है। जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसको प्रोनंसिएट WSDL लिखा जाता है, बट विजडल प्रोनंसिएट करते हैं, वेब सर्विस डायरेक्टरी डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं वेब सर्विस में पता होना चाहिए, फिर वो APIs पता होना चाहिए जो वेब सर्विस को बनाने के लिए यूज होती है। तो सन माइक्रो सिस्टम चार तरह की APIs, ऊपर वाले सारे पार्ट रिक्वायरमेंट हमें तो पता है भाई। रिक्वायरमेंट अगर मैं चलो रिक्वायरमेंट से अगर मैं बात करूँ तो रिक्वायरमेंट मैं आपको बता सकता हूँ भाई वेब सर्विस की। हम चाहते थे हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम हो जावा का, एक ऐसा बिजनेस लॉजिक हो जो मैं अपने जावा की वेबसाइट में भी यूज करूं, जावा में भी यूज करूं, .NET वाला भी यूज करे, PHP वाला भी यूज करे, Android वाला भी यूज कर ले, कोई भी यूज कर ले, और डेटा वो किसी भी फॉर्म में देना चाहे तो दे सकता है, चाहे वो JSON हो, चाहे वो PDF हो, चाहे वो XML हो। ये सब हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब सिंपल सा मतलब है कि इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए होती है। तो ऐसा करने के लिए वेब सर्विस हमें ज़रूरत है, वेब सर्विस की हमें रिक्वायरमेंट है। ये काम सर्वर JSP से नहीं हो सकता और
और जावा बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है या इसके कंपोनेंट्स का क्या यूज है ये मैं आगे बताऊंगा। तो अब अगर इस पे हमें काम करना है, मान लो कि आज अगर सारी बातें कंक्लूड करके हमें उस पे काम करने जाते हैं, अब किसी भी चीज़ पे जब हम काम करने जाते हैं तो एपीआई तो ज़रूरी होता है ना। आपने थ्रेड पढ़ा होगा, आपने सॉकेट प्रोग्रामिंग करी होगी, आपने सर्वलेट पढ़ा होगा, तो लाइब्रेरी तो चाहिए ही चाहिए। सर्वलेट की लाइब्रेरी सर्वलेट की जार फाइल में होती है। उसी तरह से अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसकी लाइब्रेरी पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी कहाँ पे है, किस जगह पे। तो जो हमारा बेसिकली लाइब्रेरी है इस चीज़ से रिलेटेड, वेब सर्विस रिलेटेड, वो दो जगह है, मतलब ये इन इन फॉर्म में इन इन जगहों पे पाई जाती है, या ये लाइब्रेरी की कैटेगरी है। एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है जैक्स आरपीसी। जैक्स का मतलब होता है जावा एपीआई फॉर एग्जाम्पल, जैक्स आरपीसी, जावा एपीआई फॉर एग्जाम्पल। आरपीसी का मतलब होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। ये जावा के 1.4 में इंट्रोड्यूस करा गया कंसेप्ट है। जैक्स आरपीसी के माध्यम से हम जावा में वेब सर्विस बनाते हैं। ये एक पहली एपीआई है जावा की। जैक्स एम से भी बनाते हैं, ये 1.4 में लॉन्च हुआ। जैक्स डब्ल्यू एस से भी बनाते हैं, एम स्टैंड फॉर माइक्रो या मोबाइल, जो भी आप बोलें। एंड जैक्स एम डब्ल्यू एस से भी बनाते हैं, डब्ल्यू एस वेब सर्विस, यहाँ पे जावा एपीआई फॉर एग्जाम्पल वेब सर्विस। जैक्स आर एस से भी बनाते हैं, ये 1.6 में लॉन्च हुआ है। तो मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि सन माइक्रो सिस्टम कंपनी, खैर फिलहाल अब तो ओरेकल है, तो उन्होंने वेब सर्विस जावा में बनाने की इतने इतने तरीके दिए हैं। उन्होंने उन्होंने ये टेक्निक दिया है, ये एपीआई दिया है, क्या कर दिया था? हाँ ठीक है। तो जैक्स, जैक्स आरपीसी, जैक्स एम, जैक्स डब्ल्यूएस, जैक्स, ये सब हमारे पास जावा की एपीआईज हैं जो वेब सर्विस बनाने के लिए यूज होती हैं। वेब सर्विसेज इन्हीं के माध्यम से हम बनाते हैं, ठीक है। तो आपने कहा सर, अच्छा अब इन वेब सर्विसेज को यूज करके, मतलब इन एपीआई को यूज करके, सॉरी, हम जो वेब सर्विस बनाते हैं वो हम बनाते हैं दो टाइप की। पहला जो होता है वो होता है सिंक्रोनस सर्विस, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है एसिंक्रोनस सर्विस। तो यूजिंग एबव एपीआई वी कैन डेवलप टू टाइप ऑफ वेब सर्विसेज, वन इज सिंक्रोनस वेब सर्विसेज, अनदर इज एसिंक्रोनस वेब सर्विसेज। तो जो सिंक्रोनस सर्विसेज होती हैं यहाँ पे और एसिंक्रोनस सर्विसेज होती हैं वहां पे, क्या मतलब डिफरेंस होता है? तो एसिंक्रोनस सर्विसेज को बनाने की जो एपीआई होती है वो जैक्स एम होती है, है ना? और जैक्स एम से जो सिंक्रोनस सर्विसेज होती हैं, यहाँ पे क्लाइंट को वेट करना पड़ता है। जैसे मान लो किसी मतलब सर्वर पे हमने ये सर्विस बना के रख दिया, तो अगर मान लो कि मैंने किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करी, तो क्लाइंट को उस रिस्पांस आने में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जी, सर्वर से जो रिस्पांस आ रहा है उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जैक्स एम सर्विस, मतलब इसकी कैटेगरी में एपीआई आती है, जिसमें एसिंक्रोनस का मतलब यहाँ पे इंतजार करना है, और सिंक्रोनस में कोई इंतजार नहीं करना है जी, इमीडिएट रिस्पांस मिलता है क्लाइंट को, जैसे वो रिक्वेस्ट करेगा उसको तुरंत रिस्पांस मिलेगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि वेब सर्विसेज जो है दो तरह के, मतलब कैटेगरी में कैटेगराइज हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस की बात तो हम करेंगे नहीं, सिंक्रोनस की बात करेंगे, हमें इमीडिएट रिस्पांस चाहिए। तो अब यानी कि जैक्स एम जो है ये कट गया, इसका तो हमें जरूरत नहीं है, ये तो बेसिकली एसिंक्रोनस सर्विसेज बनाने में यूज होती है। अब बचता है आरपीसी, डब्ल्यू एस और आर एस। तो अब देखिए अब होता क्या है, अब जो सिंक्रोनस सर्विसेज हैं ये दो पार्ट में कैटेगराइज हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया, सोप और रेस्टफुल, ठीक है ना? इसमें तो ज्यादा मुझे और बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि सोप और रेस्ट दोनों ही सिंक्रोनस टाइप की सर्विसेज में यूज होते हैं। अब जी, अब वेब सर्विसेज जो सिंक्रोनस सोप सर्विसेज जो होती हैं उनको बनाने की जो एपीआईज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है जैक्स डब्ल्यूएस और जैक्स आरपीसी। तो जैक्स डब्ल्यूएस और जैक्स आरपीसी ये दोनों ही दोनों सोप बेस्ड एपीआईज हैं, यानी कि इनसे सोप सर्विसेज बनती हैं, राइट? आरपीसी का भी कौन यूज नहीं करता, जैक्स डब्ल्यूएस ही यूज करते हैं। अच्छा, और जो इसका मतलब अब बचता कौन है? देखो, जैक्स आरपीसी, जैक्स डब्ल्यूएस, जैक्स आरएस, ये तीनों सिंक्रोनस में आते थे, जिसमें से आरपीसी और डब्ल्यूएस हो गए सोप वाले, तो आरएस वाला बन गया रेस्टफुल वाला। तो ये जो आरएस है वो बेसिकली आपकी रेस्टफुल सर्विसेज को बनाने के लिए, रेस्ट बेस्ड सर्विसेज बनाने के लिए यूज होता है। यानी कि हमें बस, अगर हम
RESTful services पढ़ रहे हैं तो हमें API फॉलो करना पड़ेगा JAX RS. तो अभी आपने डिफरेंसेस भी देख रहे थे, तो वहां पे लिखा हुआ था कि जी SOAP services JAX WS को फॉलो करती है और RESTful services JAX RS को फॉलो करती है. RS मतलब RESTful, ठीक है ना, REST services. तो ये तो हो गया भैया जार फाइल, मतलब ये APIs हो गई. और APIs क्या कंटेन करती है, सम सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेसेस बट नॉट इम्प्लीमेंटेशंस. अगर आपको पता हो तो इम्प्लीमेंटेशंस ज़्यादातर API में नहीं दी जाती है, दो चार कुछ चीज़ें जो थोड़ी बहुत की ज़रूरत होती हैं दे दी जाती हैं, बट जनरली नहीं दी जाती है. चाहे आप सर्वलेट ही क्यों ना पढ़ाओ, सर्वलेट में देखा सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट ये वो, ये सब क्या था, API जो था. इम्प्लीमेंटेशन कौन दे रहा है, वो जी ब्राउजर दे रहा है, तो कोई कंटेनर दे रहा है, कोई अपाचे टॉमकैट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है. उसी तरह से वेब सर्विस को बनाने वाला सन माइक्रो सिस्टम है जी, इम्प्लीमेंटेशन करने वाला थर्ड पार्टी वेंडर्स है, ठीक है ना. तो अब बात आ जाती है कि API में बेसिकली यही होता है. तो फिर इम्प्लीमेंटेशन कौन देता है, इम्प्लीमेंटेशन वेंडर देता है. तो जो JAX RPC की इम्प्लीमेंटेशन है, JAX RPC की इम्प्लीमेंटेशन है, ये जावा API फॉर एग्जाम्पल रिमोट प्रोसीजर कॉल, ये डेवलप करता है सन माइक्रो सिस्टम 1.4 में डेवलप हुआ है, जिसमें दिस इज फॉर बोथ SOAP वेब सर्विसेज एंड SOAP बेस्ड क्लाइंट. मतलब इसमें SOAP बेस्ड सर्विसेज भी होते हैं और SOAP बेस्ड क्लाइंट भी होता है. जब SOAP वाली सर्विसेज पढ़ना शुरू करोगे ना, तो वहाँ पे क्लाइंट और सर्वर का पूरा आर्किटेक्चर फॉलो होता है, तो दोनों चीज़ें उसमें हैं. और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये सब कह सकते हो कि अलग अलग वेंडर्स हैं जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं. JAX RPC SI इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेस वन अपाचे फाउंडेशन इम्प्लीमेंटेशन, वेब लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, वेब स्पेयर इम्प्लीमेंटेशन, JBoss इम्प्लीमेंटेशन. ये बेसिकली सर्वर के नाम है और कुछ नहीं है, वेब लॉजिक, वेब स्पेयर, JBoss. ये इन्होंने इस इन कंपनी में, जैसे JBoss जो है रेड हैट का प्रोडक्ट है, वेब स्पेयर, वेब लॉजिक जो है, वेब स्पेयर तो जो है ये IBM का प्रोडक्ट है और वेब लॉजिक जो है BEA का प्रोडक्ट हुआ करता था, बट ये अब Oracle का हो चुका है, Oracle ने इसे टेक ओवर कर लिया है, Oracle ने कर ही लिया है ये, ठीक है ना, Oracle का बोलो आप. तो ये सब आपको, मतलब आपको ओवरऑल API नहीं पढ़ना है, इसी इम्प्लीमेंटेशन को ही पढ़ना है, ठीक है. लेकिन अगर आप JAX RPC को फॉलो कर रहे तो यार हम कहाँ कर रहे हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है. और JAX WS, हाँ यही WS वाले को अगर अगर आप SOAP सर्विसेज बना रहे हो तो कर सकते हो. उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटेशन है वो JAX RI इम्प्लीमेंटेशन है, और जो 6 में है फिर मेट्रो इम्प्लीमेंटेशन है, फुल इम्प्लीमेंटेशन देता है. एक्सेस 2 अपाचे इम्प्लीमेंटेशन है, एक्सेस CSF इम्प्लीमेंटेशन है, वेब सर्विस, वेब स्पेयर भी है, वेब लॉजिक भी है, JBoss भी है, ग्लासफेस भी है, ये सब. यानी कि इन सारे तरीके से हम इन सारे इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करके, अब कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि सारी इम्प्लीमेंटेशन फॉलो करो, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रखा है. API एक है, स्टैंडर्ड एक ही है ना, बट एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करके बस इन्होंने अपने अपने इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस बदल दी है, और क्या, तरीका तो एक ही होता है ना. तो SOAP सर्विस आप इस तरह से बना सकते हो, बट यार हमें SOAP भी नहीं पढ़ना है. अगर आपको पता है, मैं आपको बताऊंगा आगे SOAP वाला, मतलब ये वैसे नहीं कि बहुत कठिन होता है, इसलिए मतलब हम यूज नहीं करना है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. और कठिन भी ऐसा नहीं है, बहुत कठिन है, कुछ नहीं है. एक प्रोग्राम बनाओ, राइट क्लिक करो, इक्लिप्स में न्यू करके उसको बस आपको, क्योंकि अपाचे का प्रोडक्ट है तो अपाचे सर्वर चाहिए हमें बस, है ना. अपाचे एक्सेस इम्प्लीमेंटेशन हम या CSF इम्प्लीमेंटेशन हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं. तो राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को वेब सर्विस में कन्वर्ट कर देना होता है, बस सारा काम अपने आप हो जाता है. SOAP वाला भी बहुत आसान है, बट यूज़ नहीं होता है ना, इसीलिए मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ. तो जी हमें यूज करना है जी JAX RS इम्प्लीमेंटेशन. JAX RS जो इम्प्लीमेंटेशन है, जावा API फॉर एग्जाम्पल RESTful सर्विसेज, इसमें आ जाता है जी जर्सी, ठीक है ना, समझे भाई परवेज. तो एक क्वेश्चन पूछ दोगे, फिर उसी में दूसरा भी पूछ दोगे, उसी में तीसरा भी पूछ दोगे, चौथा भी पूछ दोगे, तो जवाब कैसे दे पाऊंगा, ठीक है. तो जो जर्सी है वो बेसिकली, इसीलिए मैंने बोला नहीं, अभी नहीं पता है. तो JAX RS जो है, JAX RS जो RESTful, यानी कि हमारे पास तीन ही तो सर्विस के API थे यार, एक JAX WS था, JAX RS था, JAX RPC था और JAX M था. तो M तो asynchronous services के लिए थी, उसको हमें पढ़ना ही नहीं है. asynchronous में थोड़ा वेट करना पड़ता है क्लाइंट को रिस्पॉन्स आने में. सिंक्रोनस में आ गया JAX WS, JAX RS और JAX RPC. RPC जो है बहुत, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई यूज भी करता होगा. तो मेनली दो ही हैं, JAX WS, JAX RS, अगर ये याद करो, ठीक है. तो JAX WS जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतने तरह से दी जाती है,
सॉरी आरएस की, डब्ल्यूएस की और आरएस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास इतने सारे वेंडर्स हैं, जैसे स्प्रिंग है, जैसे जर्सी है, रेस्टिजी है, रेस्टलेट है, अपाचे सीएसएफ है, अपाचे विंग्स है, इसमें से आप किसी की भी एक इम्प्लीमेंटेशन फॉलो कर सकते हो, किसी की भी इम्प्लीमेंटेशन फॉलो कर सकते हो, जिसमें से अपाचे विंग का जो है सपोर्ट जो है अब नहीं है इसके साथ, नॉट सपोर्टिंग स्प्रिंग इंटीग्रेशन के साथ, उसमें स्प्रिंग वगैरह में नहीं करा जाता है। मतलब कोई फ्रेमवर्क जावा के अंदर पढ़ लो, वो भी वेब सर्विस को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करा सकता है। तो बस, तो अगर जर्सी की बात करोगे तो जर्सी क्या है, तो जर्सी जर्सी एक कंपनी है, राइट। उस कंपनी ने सन माइक्रोसिस्टम, मतलब पहले सन की थी, अब पता नहीं वो सेपरेट ही कंपनी है, कौन टेक केयर करता है देखना पड़ेगा, भाई सन ने ही डेवलप कराया, मतलब इसे इम्प्लीमेंट कराया है। तो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने जैक्स आरएस रेस्टफुल सर्विसेज को बनाने के लिए एपीआई दिया और जर्सी उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो जर्सी इज द इम्प्लीमेंटेशन, एक इम्प्लीमेंटेशन है रेस्टफुल वेब सर्विसेज को बनाने के लिए। आप कोई भी फॉर्म, रेस्ट इजी भी है, रेस्टलेट भी है, बहुत सारे हैं। समझ में आया नहीं आया पर भी? सर ये सब से बेहतर कौन सा होता है सर? कुछ कोई भी, कोई भी यूज कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर वही वाली बात हो गई, हल्दीराम का भी मिठाई है और आपके लोकल भी मिठाई है और आपका जो है बीकानेर वाला भी मिठाई है। तो सब कोई कंपनी कोई यूज करती है, जो फ्री में है। सबसे ज्यादा लोग जो है जर्सी इसलिए यूज करते हैं, फ्री अपाचे, मतलब जो चीज फ्री फ्री मिलने वाली है वो यूज करते हैं, और जो आपको आता है उसमें भी बना लो, हमें तो वेब सर्विस बनाने से मतलब है। हम लोग यही जर्सी ही पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो जो जर्सी में रेस्टफुल वेब सर्विसेज बनाने आपको बताऊंगा, लेकिन कभी आपको सोप समझाऊंगा तो सोप में आपको मैं एक्सिस टू और एक्सिस वन, एक्सिस टू अपाचे इम्प्लीमेंटेशन में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सब तो थियोरेटिकल कहानी थी, थियोरी है सब। तो मतलब वेब सर्विस को बनाने की क्या है, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ गाइडलाइन है जी। जिसने भी गाइडलाइन दिया, गाइडलाइन सन माइक्रोसिस्टम ने दिया, इम्प्लीमेंटेशन वेंडर ने करा, कहा कि जी सॉफ्ट सर्विसेज बनाने के लिए ये एपीआई मैं देता हूँ, जिसका नाम है जैक्स डब्ल्यू एस, ठीक है, दे दिया एपीआई, उसमें कुछ जार फाइल दिया, कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिया, कुछ इंटरफेस दिया और कहा जी इम्प्लीमेंटेशन आप लोग करो अपने हिसाब से। तो हम लोग नहीं, मतलब वेंडर्स मतलब प्रोवाइडर जो हैं, जैसे अपाचे हो गया, वेबलॉजिक हो गया, ग्लासफिश हो गया, जेबॉस हो गया, जो सर्वर बनाने वाले कंपनीज हैं, क्योंकि उनके लिए तो सर्वर तो जरूरी है ना वेब सर्विस के लिए, ये है तो वेब सर्विस ही है ना, क्योंकि ये वेब पे चलेगी, इंटरनेट पे चलेगी, तो सर्वर चाहिए। तो रेस्टफुल सर्विस तो मेनली है जैक्स डब्ल्यू एस, जैक्स आर एस। तो जैक्स आर एस में हम कौन सी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे जा रहे हैं, जर्सी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं, जर्सी का यूज करके हम वेब सर्विस बनाएंगे। तो देखिए बहुत सारा चीज मैंने बता दिया, आप थियोरेटिकल थोड़ा सा बोर न करके प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो प्रैक्टिकल की तरफ मूव करने जा रहे हो अगर आप, तो कैसे बनाओगे जर्सी का यूज करके, कैसे बनाओगे सर? आप एक बार बताओ, अगर आप सर्वलेट का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो सर्वलेट के जार फाइल चाहिए ना। अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, अभी अभी मुझे जेएसएन का काम करना था, जेएसएन का जार फाइल चाहिए था ना, तो बस आप कुछ नहीं करिए, आप बस आपको जाके जर्सी की ऑफिशियल साइट पे जाना है जी, और यहाँ टाइप करना है जी जर्सी, है ना। तो जर्सी की जार फाइल लाइए, बस प्रोग्राम बना दीजिए, जर्सी सर जावा फ्रेमवर्क। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जर्सी वैसे है तो एक थर्ड पार्टी कंपनी, बट ये जावा का एक फ्रेमवर्क है, समझ रहे हो ना, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके माध्यम से हम जर्सी बेस्ड कह सकते हो कि सॉरी रेस्टफुल वेब सर्विसेज बनाने के लिए हम यूज करते हैं। Eclipse Foundation, ये बिल्कुल एक, ये दूसरी जगह पे लेके गया, मुझे लग रहा है URL ही चेंज कर दिया इन्होंने। देखो पहले चलता था jersey.github.io, लेकिन अब इन्होंने पूरा जो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सीधे मतलब ये मतलब URL इन्होंने चेंज कर दिया। Eclipse का इसके साथ कुछ कोलाब्रेशन होगा या Eclipse का ही प्रोडक्ट होगा। Eclipse जर्सी, जर्सी इज अ रेस्टफुल, भी देखो देखा है, जर्सी इज अ रेस्ट REST framework that provides the JAX RS, है ना, JSR 370 implementation and more। तो ये basically
RESTful वन वेब सर्विसेज को बनाने की एक इम्प्लीमेंटेशन है, जैक्स आर एस इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसने क्या करा होगा, इसने जैक्स आर एस को, जैक्स आर एस APIs को पूरा इम्प्लीमेंट करके नए क्लासेस, नए मेथड्स, नए लाइब्रेरीज ये सब बनाया होगा। और जो भी क्लासेस, मेथड, लाइब्रेरी बनाया होगा उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके दे दिया होगा। और जो चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज तरीके से किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए टारगेट करके बना के दे दिया जाता है उसी को फ्रेमवर्क बोला जाता है। फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरी विच वर्क्स ऑन द प्रीडिफाइंड एल्गोरिदम एंड टारगेटेड टू द स्पेसिफिक डोमेन, वही चीज़ है, इसीलिए इसको फ्रेमवर्क बोला जा रहा है। तो अब अगर आपको इस पर काम करना है तो इसका डॉक्यूमेंटेशन है, गेट स्टार्टेड है, डाउनलोड्स है। तो हमें इसके डाउनलोड्स में जाना है जी, इसके लाइब्रेरी लाना है हमें, इसकी जार फाइल लानी है। तो जीजर्सी का जार फाइल डाउनलोड कर लीजिए, रेस्टफुल वेब सर्विसेज, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, सब जगह से मिल ही जाएगा ये ले आएंगे। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं जार फाइल डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो हम मेवन प्रोजेक्ट बना लेंगे। कहीं पे भी देखिए, कहीं पे भी अगर आप जार फाइल नहीं लाना चाहते, चाहे किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट है, चाहे वो जावा जावा डबली में कोई सर्वलेट बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो, वेब सर्विसेज बना रहे हो, कोई कल को नया चीज़ कोई डेवलप कर रहे हो, तो आप मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने से आपको जार फाइल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जार फाइल डाउनलोड करेंगे हम, और इस जार फाइल को डाउनलोड करके इस पर काम करेंगे, है ना। तो